ओनली 1 month ये पाबंदी करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबियीन। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है मेरी, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि नमाज के क्या क्या फ़राइज़ है, नमाज़ पढ़ने से क्या क्या आपको सवाब मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जूनियर मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको इजीली मिल सके। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह, मैं आप सबको जो है नमाज की दावत देना चाहता हूँ। आप सब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। आप 1 महीना नमाज पढ़ के देखें। आप 1 महीना नमाज ना छोड़ें, 1 महीने के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। ये प्रैक्टिकल बात है। 1 महीना नमाज ना छोड़ें, 1 महीने के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। और 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी चाहिए। आखिर में जब कब्र में हम जाएंगे, जब हमारी फौत हो जाएगी, तो कब्र में सबसे पहला सवाल ये होगा कि नमाज की पाबंदी आपने की या नहीं की। अगर आपने इसमें गड़बड़ की तो अगले जितने भी सवाल होंगे ना, उस सब में आपकी गड़बड़ होगी। तो अगर नमाज में ही आपने ऐसा किया तो फिर आगे तो फिर गड़बड़ होगी। और आपको कोई भी काम है, कोई बिजनेस है, कोई चीज़ लेने जाना है, ट्रेन पे, गाड़ी पे कहीं जाना है, आपने ट्रेन छूटती छूट जाए, गाड़ी छूटती छूट जाए, कोई काम छूटता है वह भी छूट जाए, नमाज ना छोड़िएगा, नमाज की पाबंदी कीजिएगा। 1 महीना नमाज ना छोड़े, 1 महीने के बाद आपको नमाज नहीं छोड़ेगी। तो एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आता है तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं, ऐ फरिश्तों, इस बंदे के जो सारे गुनाह है ना, वो इससे अलहदा कर दो, इससे जुदा कर दो, अलहदा कर दो। तो फरिश्ते उसके गुनाह अलहदा कर देते हैं। तो वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह के घर में नमाज़ पढ़ रहा होता है, अल्लाह पाक उसको देख रहे होते हैं, वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो दुआ मांगता है, दुआ गुनाहों से खाली दुआ मांगता है, दुआ कबूल होती है पर थोड़ा वक्त लगता है, दुआ कबूल होती है, गुनाहों से खाली दुआ मांगता है। वहाँ मांग के जब वो फ्री होता है तो फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह, अब जो इसके नमाज पढ़ने से पहले जो इस बंदे के गुनाह निकाले थे, अब उनका क्या करूं? तो अल्लाह पाक कहते हैं, अब तुमने गुनाह अलहदा कर ही दिए तो अलहदा ही रहने दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज़ पढ़ने के कितने अच्छे आपको फ़राइज़ हैं, कितनी अच्छी नेमतें हैं, कितनी अच्छी नेमत से हम नवाजे जा रहे हैं। जब जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँगे, आपके गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, साइड पर कर दिए जाएंगे, आपसे जुदा कर दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज़ की पाबंदी करें। मैं आप सबको, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे, मैं उन सबको दावत देना चाहता हूँ। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। बस आज की ये वीडियो, आगे मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमाज की पाबंदी काइंडली ज़रूर कीजिएगा। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और दुआ अपनी, आपकी दुआ रद्द नहीं जाती पर थोड़ा वक्त लगता है, पर रद्द नहीं जाती, काइंडली दुआ में याद रखिएगा। तो आगे वीडियो कंटिन्यू करें। पैरट्स तो आपको पता होगा, और बेंटम जो हैं, बेंटम हमने मुर्गियाँ रखी हुई हैं विद मोर एंड फीजेंट भी रखा हुआ है। तो ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। ये फ्रेंड्स मोर हैं, ये हमने मोर रखे हुए हैं, और ये फीजेंट है, ये बेंटम, ये पैरेट्स हैं, और ये नीचे हैं बटेरे। ये सबसे अच्छे मुझे ये बटेरे लगते हैं, ये वाले। और ये पैरेट्स उसमें बहुत ज़्यादा हो गए थे, उस वाले पिंजरे में बहुत ज़्यादा हो गए थे ये, तो इधर शिफ्ट कर दिए। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स कितना प्यारा है। इसमें ये देखें कितने बच्चे निकले हुए हैं, माशाल्लाह, सारे अंडों में से निकले हैं। इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं, उधर भी दिए हैं, इधर भी दिए हुए हैं, इधर भी दिए हुए हैं, और ये लाइन में बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ये भी हैं। तो ये जो पिंजरा है, ये बहुत आइडियल किस्म का बना हुआ है। ये मेरे भाईजान जो बड़े हैं ज़ैन अली ऑफिशियल के चैनल के नेम से,
उन्होंने ये सारा पिंजरा बनाया है बहुत आइडियल, जिसमें मैंने भी हेल्प कराई है विद मेरे पापा ने भी, और ये बहुत अच्छा बना है। वो जो अंदर पिंजरा पड़ा हुआ है वो भी बनवाया था हमने। ये हमें मेरे बड़े भाई जान को शौक़ है इन चीज़ों का, मतलब हंस रखने का, ये पीकॉक रखने का, ये सारे पैरट्स रखने का, इन सब चीज़ों का शौक़ है। उनकी आप व्लॉगिंग में देखते होंगे कि वो उनको कितना शौक़ है, कितनी चीज़ें दिखाते हैं, इंक्यूबेटर से अंडे निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, सॉरी अंडे रख के बच्चे भी निकालते हैं। वो काफ़ी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं फार्म पे, वो काफ़ी उधर तो लातदाद चीज़ें हैं, मतलब के पीकॉक उधर तो 10-12 हैं और 9-10 उधर पीकॉक्स हैं, और फीजेंट भी उधर बहुत ज़्यादा है, कलर में फीजेंट हैं बहुत प्यारे प्यारे उधर, मतलब आप समझिए मोंकी भी है उधर, मोंकी भी, और रिंगनेक पता नहीं रिंगनेक फीजेंट कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मुझे नाम भी नहीं आते, कितना कुछ है। और वैसे भी आप मेरी व्लॉगिंग में भी देखते रहते हैं तो, और आप बताएं सर्दी कितनी आ गई है, मुझे तो सर्दी लगती है बहुत भी, रात को सुबह जब होती है तो स्मोक भी पड़ी होती है, मतलब धुंध पड़ी होती है, और कोरोना वायरस भी है। आप सब दुआ करेंगे दुनिया से इस वबा को ख़त्म कर दिया जाए, अल्लाह करे ये वबा ख़त्म हो जाए, इसने तो सारा काम ख़राब किया हुआ है। मैं भी अभी मदरसे नहीं जा रहा, घर में कैट साहब आते हैं वही पढ़ाते हैं। और सर्दी आप सबके इलाके में कहाँ कहाँ पे सर्दी है और कितनी सर्दी है, कुछ लोग मेरी वीडियोस फुल नहीं देखते, मतलब एक दो मिनट की देख के वो स्किप कर देते हैं, वीडियो को फुल वॉच क्या करें ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको ईजिली मिल सके, वीडियो को लोग फुल नहीं देखते। अभी कितनी अभी 9 o'clock हुए हैं तो अभी इतनी धूप निकली है, बहुत अच्छा लग रहा है, धूप है ऊपर और बड़ी अच्छी चुभ रही है मुझे, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और स्पैरोस बोल रही हैं, काफ़ी इंजॉयबल है ये। और मैं ये कोशिश करूँगा कि संडे को मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, आप सब ज़रूर मेरी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कीजिएगा और सब आप सब आइएगा, बहुत अच्छा लगता है आप सब से, आप सब व्यूवर से बातें करने को, बातें करके सॉरी। और मेरे जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज, इन सब इन दोनों चीज़ों को भी फॉलो कर लें, अबाउट में लिंक है, तो ज़रूर आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो बस इतनी सी, बहुत लॉन्ग हो गई है वीडियो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से धूप है फुल। इतनी तेज़ धूप है, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर लें, मैं टिकटॉक भी बनाता रहता हूँ वैसे ही, नाज शरीफ पे और मेरे भाई बनाते रहते हैं, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इन तीनों चीज़ों का, फॉलो कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें, लाइक भी वीडियो किया करें, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर भी करेंगे। कुछ लोग मैं लाइफ में पहले कहता था लाइव स्ट्रीम को शेयर कर दें, कुछ लोग शेयर भी कर देते थे, तो आप भी शेयर कर दीजिएगा, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे पुराने हैं व्यूवर जो बहुत अच्छे हैं, शेयर कर देते हैं, काफ़ी लोग हैं जो मेरे, जैसे कि मैं किन किन का नाम लूँ, बहुत हैं माशाल्लाह, आप सब ऐसी सपोर्ट करते हैं मुझे, कीप सपोर्टिंग मी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फर्स्ट स्टार्टिंग में जब तय है नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा, नमाज की मैं आप सबको दावा देता हूँ, नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा, नमाज की मैं आप सबको दावा देता हूँ, नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़ की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा, नमाज की मैं आप सबको दावा देता हूँ, नमाज की पाबंदी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।